मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, बातचीत करेंगे। सर, ज्वाइनिंग हुई है, कितनी पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, निस्संदेह परिवार में जब व्यक्ति जुड़ते हैं तो बहुत ताकत मिलती है। मेरे साथ में आज मुजाल साहब हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं रोहतक से, पहले वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में रोहतक नगर निगम का चुनाव जीते, बहुत से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बाढ़ के अंदर काम किया, दो तीन तीन बार ये जेल गए, फिर इन्होंने कांग्रेस के बाद बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी छोड़ के आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ पर आए हैं और पूरे हजारों साथियों के साथ इनकी ज्वाइनिंग का, इनके साथियों के ज्वाइनिंग का एक शेड्यूल रोहतक के अंदर तय किया है जहाँ पर इनके हजारों साथी जुड़ेंगे। आज रितु अरोड़ा जी भी, जो पहले आम आदमी पार्टी में थी फिर कांग्रेस चली गई थी, आज कांग्रेस को छोड़ के वापस अपने परिवार के अंदर शामिल हुई है। ये भी बहुत जुझारू नेत्री है, पानीपत शहर में मजबूती के साथ काम करती रही, पूरे हरियाणा में इन्होंने काम किया, तो आज ये भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन कर रही है, तो इनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। बजट आ गया आज, हरियाणा के संदर्भ में किस तरीके का बजट और पूरे देश के संदर्भ में? सरकार तो कह रही है सबको राहत दी हमने। देखिए, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। सबसे पहले जो टैक्स पेयर लोग थे वो सोचते थे कि कुछ राहत इसमें मिलेगी, जो शेयर मार्केट में काम करने वाले छोटे छोटे जो लोग थे उनके ऊपर तो टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है और आम व्यक्ति को भी कोई राहत इस टैक्स के अंदर नहीं दी गई है। इसी प्रकार से किसान के लिए बहुत लंबी समय से उम्मीद थी कि शायद MSP के लिए कोई बात इस बजट के अंदर करेंगे, कोई बात नहीं हुई। युवकों का रोजगार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, कोई बात नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने की इस बजट के अंदर कोई बात नहीं हुई। तो ये बजट पूर्णतः निराशाजनक बजट है, केवल आंकड़ों का खेल है। सरकार तो कह रही है कि इतनी नौकरियां मिलेंगी, टैक्स लैब बदल दिया। नहीं, क्या टैक्स लैब बदल दिया? टैक्स में तो कोई राहत मिली नहीं, कुल टैक्स फालतू ही लगने वाला है। लोगों को उम्मीद थी कि 10 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम करेंगे, परंतु नहीं किया उन्होंने कुछ भी। आज पूरा का पूरा निराशाजनक बजट है, आप देखना इससे बाजार के अंदर भी निराशा छाएगी और शेयर मार्केट भी इससे डाउन जाएगी। धन्यवाद बात करने के लिए। सुशील गुप्ता जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, दिल्ली से कैमरा आदित्य के साथ नितिन धवन MH।